दिल्ली के रोहिणी में स्थित मेट्रो वॉक में मिस्टर एंड मिस नॉर्थ इंडिया 2021 के ऑडिशन रखे गए। जिसमें 400 से अधिक बच्चों ने ऑडिशन दिए। मिस्टर एंड मिस नॉर्थ इंडिया के ऑडिशन में सेलिब्रिटी की भूमिका में आए मिया लाकरा और वही जूरी मेंबर के रूप में आए ऑर्गेनाइजर अनुराग भारद्वाज, सौरभ लांबा, इन सभी गणमान्य लोगों ने बड़ी सूझबूझ के साथ सभी ऑडिशन देने वाले बच्चों का चयन किया। देखिए क्या कुछ कहा मीडिया से बात करते हुए सभी लोगों ने। मिस्टर एंड मिस नॉर्थ इंडिया 2021 के ये बोलना चाहूँ कि आफ्टर लॉकडाउन और कोरोना इन्होंने इतने ग्रैंड लेवल में ये ब्यूटी पैजेंट करा रहे हैं और ऑडिशन सिर्फ एक सिटी में नहीं इनके हर जगह में से 2 टाइज और 3 टाइज सिटीज़ में हो रहे हैं। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि ये हर सिटी के बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म दे और उनको उनसे लाइक इस फील्ड में करियर बनाने का मौका मिलेगा। उनके प्रतिभा और टैलेंट को देख के मैं हैरान परेशान थी कि ऐसे छुपे हुए टैलेंट कहाँ पे थे। सो जगजीत और जितनी इनसे पूरी टीम है उनके भी बहुत लाइक शुक्रिया अदा हूँ कि उन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ पे इन बच्चों को, जहाँ लोग पैसे लेते हैं ऑडिशन लेने के लिए, इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट में हर बच्चों को मौका दे रहे हैं अपना यू नो टैलेंट दिखाने के लिए। सो आई रियली होप उनका फ्यूचर ब्राइट रहे इस प्लेटफॉर्म और इस शो के। इसमें जैसे सर ने भी ऐड करा कि बहुत से बच्चे टैलेंटेड होते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते, प्लेटफॉर्म नहीं होता, और जैसे कि उन्होंने बोला जो टैलेंटेड होंगे डेफिनेटली विल गोना गिव देम द प्लेटफॉर्म। सो मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज और जेन्युइन ऑडिशंस आते हैं। मैंने अपने इंस्टीट्यूट भी इसलिए ही खोला था ताकि जो मैंने स्ट्रगल करा, हमने बहुत फेक ऑडिशंस दिए, बहुत पैसा बर्बाद किया है, तो जो टैलेंटेड बच्चे होंगे उनको हम टीवी पे आने का मौका देंगे, उनको जो जेन्युइन ऑडिशंस हैं वहाँ पे भेजेंगे। एटलीस्ट वो जेन्युइन ऑडिशंस में तो जाए, क्रैक करना नहीं करना वो उनकी किस्मत है, एटलीस्ट हम उनको वो जगह तो प्रोवाइड करें। तो हम बिल्कुल यहीं से कोशिश करेंगे इस शो में जो जो बच्चे टैलेंटेड, हमारा मेन फोकस है कि टैलेंट प्लस टू गिव देम द जेन्युइन प्लेटफॉर्म। ये हमारा शो के ऑर्गेनाइजर सौरभ लांबा ने बताया कि यह एक ऐसा शो है जहां पर बच्चों से ना कोई ऑडिशन फीस ली जा रही है और ना कोई ग्रूमिंग फीस ली जाएगी। हमारा शो करवाने का उद्देश्य बच्चों को एक मंच प्रदान करना जहां पर वो अपने टैलेंट को दिखा सके। बच्चों ने सुबह से धूप में खड़े होकर जो वेट किया है ऑडिशन देने के लिए, 200-250 बच्चे आए हैं जब आज ऑडिशन देने, और बच्चों ने इतना इंतज़ार किया अपनी बारी आने के लिए। तो मैं कहना चाहूँगा बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस चीज़ को लेके, एंड हम लोग कोई फीस नहीं ले रहे हैं ऑडिशन के लिए उनसे, और ताकि हर एक बच्चे को मौका मिले अपना टैलेंट शोकेस करने का एंड सबको एक बराबर का मौका मिले। सेमीफिनाल आज के ऑडिशन का 25 अप्रैल 2021 को होने वाला है और हम लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, तैयारी में जुटे हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है उसके लिए, और बच्चे रोटेला आ रही है उन लोग, हम उन बच्चों को सपोर्ट करेंगे, उनको आगे काम भी दिलाएंगे, जो भी हमारे यहाँ पर जीतता है, विनर होते हैं, रनर अप होते हैं, हम उनको आगे काम भी दिलाएंगे इंडस्ट्री में। आज के ऑडिशन में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से इन बच्चों ने ऑडिशन दिया उन्हें देख के तो हम सभी शॉक हो चुके हैं, क्योंकि सुबह से ऑडिशन चल रहे हैं और एक भी बच्चा ऐसा नहीं लगा कि थका हुआ दिख रहा है या कुछ भी दिख रहा है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर गया हुआ है, तो उसे देख के हम तो बहुत खुश हैं। मैं तो देखो सब बच्चों ने करी है और सब सुबह से ही वेट कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत दूर दूर से आए हैं, कोई रेवाड़ी से, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुंबई से भी आए हैं, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब आते हैं बच्चे अपना टैलेंट शोकेस करते हैं, अच्छा लगता है, आते हैं बच्चे अपना जो भी टाइम निकाल के आते हैं, कुछ बच्चे स्टडीज भी कर रहे हैं, अपनी स्टडीज छोड़ के आते हैं, कोई अपनी जॉब छोड़ के आ रहा है, तो इट्स यू नो बहुत अच्छा लगता है इन सबको देख के। देखो सर बात ऐसी है कि बच्चे आते हैं, ठीक है, अपना टाइम निकाल के आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सब फ्री बैठे रहते हैं, पर सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब कोई अपने पैशन को फॉलो करता है, ठीक है, उसके लिए उस पर वर्क करता है, तो वही एक मेन चीज़ होती है। इस कोरोना टाइम में भी बच्चे आ रहे हैं तो इससे बड़ी सराहना की बात तो कोई है नहीं।